नमस्कार दोस्तों मैं जिस का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि रुक जाना नहीं योजना का जो एडमिट कार्ड है कैसे डाउनलोड करें उसका क्या तरीका है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम उसी जानकारी देने वाले हैं तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आइकन को दबा दीजिए जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी नई अपडेट्स के साथ वीडियोस आए उन सभी की जानकारी आपको सबसे पहले मिले तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको सर्च करना होगा एम पी एस ओ एस डॉट एन आई सी डॉट इन या फिर दोस्तों डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा आप वहाँ से भी डायरेक्ट इस पोर्टल पर आ सकते हैं अब आप जैसे ही ओपन करेंगे कुछ इस तरीके का ऑफिशियल इंटरफेस होगा अब दोस्तों एक नीचे स्क्रॉल करके थोड़ा सा जाएंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा रुक जाना नहीं योजना उसमें आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे टाइम टेबल रिजल्ट ऑब्लिक माइग्रेशन एक एडमिट कार्ड तो आपको एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन पर करना है क्लिक जैसे ही एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का नया आपके सामने ऑप्शन मिलेगा जिसमें दो ऑप्शन मिलेंगे एक ऑप्शन मिलेगा ओपन स्कूल एग्जाम जून ट्वेंटी 23 और एक नीचे ऑप्शन मिलेगा रुक जाना नहीं आ अब लौट चले जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का एक नया इंटरफेस होगा जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो एक ऑप्शन आपको एडमिट कार्ड का ऑप्शंस मिलेगा एडमिट कार्ड जून 23 का तो आपको जून 23 वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है जो कि चार छः दो हज़ार तेईस आपका डेट लिखा हुआ मिल जाएगा तो उसी के नीचे जो आपका ये ऑप्शन आएगा एडमिट कार्ड वाला उस पर क्लिक करना होगा एक एडमिट कार्ड का ऑप्शन टॉप में ऊपर में मिलेगा उस पर आपको क्लिक नहीं करना है जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके का आपके सामने ऑप्शंस मिलेगा एडमिट कार्ड रुक जाना नहीं आ अब लौट चले ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का आप थोड़ा सा नीचे आइए यहाँ पर आपको एम पी बी एस ई यानी मध्य प्रदेश का जो एम बोर्ड है उसमें आपका उसका जो रोल नंबर था पुराना उसको फिलअप करना है उसको उसके बाद कैप्चा कोड जो स्क्रीन पे शो होगा उसके बाद यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आपका एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन पे ओपन होकर आ जाएगा तो दोस्तों जैसे ही आप सर्च करते हैं उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड यानी जो मध्य प्रदेश का ओपन एजुकेशन बोर्ड है उसका हाई स्कूल सर्टिफिकेट यानी आपका दसवीं हो या फिर बारहवीं उससे रिलेटेड मिल जाएगा जून ट्वेंटी थ्री का ही ये रोल नंबर आपको मिल जाएगा जो कि आपका रोल नंबर ये रुक जाना नहीं योजना का रोल नंबर है उसके बाद आपका एम पी बोर्ड का रोल नंबर भी मिल जाएगा डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगा योजना का प्रकार मिल जाएगा आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पे आपका नाम ये सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगी उसके बाद आपका अपेयरिंग सब्जेक्ट subject, जितने सब्जेक्ट्स में आपने फेल हुए हैं और जितने सब्जेक्ट का फॉर्म फिलअप किया उनकी डिटेल्स मिल जाएगी उसके बाद आपका यहाँ पे जो भी मूड होगा एग्ज़ाम का उससे संबंधित डिटेल्स मिल जाएगा उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने ये जो है एग्ज़ाम का टाइम टेबल आपके साथ अटैच मिलेगा तो ये आप देख सकते हैं आपका एग्ज़ाम जो 15 जून 2023 से स्टार्ट है फर्स्ट पेपर हिंदी का उसके बाद अगले डेट में अलग अलग, अलग डेट को अलग अलग एग्जाम्स हैं नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो ये पूरा इंस्ट्रक्शन के साथ आपको जो इसका टाइम टेबल है वो मिल जाएगा नीचे में आइएगा प्रिंट कीजिएगा और इसके हिसाब से आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और आप इस वीडियो के माध्यम से सीख गए होंगे कि रुक जाना नहीं योजना का है जो एडमिट कार्ड कैसे निकालना चाहे वो दसवीं का हो या फिर बारहवीं का तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के